दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर आप 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। अगर 200 यूनिट से ऊपर खर्च होता है तो पहले की तरह पूरा बिल देना होगा। इस छूट से सब्सिडी पर लगभग 1800 करोड़ का खर्च आएगा। केजरीवाल ने कहा है कि 2013 से पहले 200 यूनिट के लिए 900 रुपए देने पड़ते थे, अब 200 यूनिट के लिए एक नया पैसा नहीं देना होगा। हमारी कड़ी मेहनत और हमारी साफ नीयत की वजह से आज 4.5 साल के बाद जब मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, बिजली के बिलों में भारी गिरावट आई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पहले से अब बिजली बिल में कितना फायदा होगा। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार से पहले 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर 928 रुपए देने पड़ते थे। इसके बाद केजरीवाल सरकार में जुलाई 2019 तक 200 यूनिट खर्च करने पर 622 रुपए का बिल भरना पड़ता था, लेकिन अब 200 यूनिट तक खर्च करने पर आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली माफ करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली क्षेत्र में किए गए अपने कई महत्वपूर्ण कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों को बिजली से संबंधित सभी समस्याओं को सरकार ने दूर किया है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार अभी से कमर कस चुकी है। जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल सरकार जनता के हितों में कई फैसले ले रही है, लेकिन क्या जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली की सत्ता सौंपेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।